काफी बार हमारे साथ स्कैम हो चुका होता है, लेकिन हमें महसूस ही नहीं होता कि हमारे साथ स्कैम हो चुका है। हमें जब महसूस होता है जब हमारे द्वारा उस प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट किया गया क्रिप्टो, डिपॉजिट किया गया हुआ पैसा, या फिर हम जब ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमारा कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि चलो ठीक है फाइनली जो पैसा रखा है उसको बैंक अकाउंट में ले लेते हैं, उस समय जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में आता ही नहीं है। मैंने ऑलरेडी 3 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए से भी अधिक का कैसे स्कैम हो चुका है कॉइन स्विच के जो यूजर्स है उनके साथ में। लेकिन मुझे जो पता चला है ना वो अमाउंट ये है, लेकिन ये अमाउंट बढ़ के और भी अधिक हो चुका है, 5 लाख रुपए से भी अधिक हो चुका है। बहुत सारे यूजर्स ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, अगर आप यहाँ पे वेबसाइट देखेंगे ना तो ये वेबसाइट का आप URL एक बार देख लीजिए। एंड रिसेंटली अच्छा लगा कि ठीक है कॉइन स्विच वाले एटलीस्ट जगे हैं, पता नहीं कौन सी गुफा में जाके सो रहे थे। एक्चुअल में ना समझ नहीं आता एक्सचेंज वालों का मुझे सीन। मैंने खुद इंस्टाग्राम पे ना इनको मैसेज किया था, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मैंने ना ज्यादा नहीं सिर्फ 2 मैसेज किए इनको, एक रिप्लाई क्या होता है, इन्होंने एक रिप्लाई नहीं किया और ये ऑथेंटिक है, आप टिक देख सकते हैं। मैं इनके फॉलोअर्स आपको दिखा देता हूँ, तो ऐसे ना सोचे कि मैंने किसी और को किया, मैंने इन्हीं को किया और मैसेज पे क्लिक करूंगा। सो आप यहाँ पे मैसेजेस देख सकते हैं, मैंने इनको 2 मैसेज किए लेकिन एक भी रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद में मैंने इनको मैसेज करना ही छोड़ दिया। उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं अपने हैंड से क्या कर सकता हूँ। सो मैंने 3 महीने पहले ही एक वीडियो बना दिया और उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे स्कैम हो रहा है। लेकिन फाइनली एटलीस्ट इनकी तरफ से अगर अभी आप देखोगे तो आपको ईमेल भी आ रहा है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो 2 वेबसाइट है, एक वेबसाइट है यहाँ पे कॉइन स्विच एंड यहाँ पे 01.com एंड एक है यहाँ पे कॉइन स्विच प्रो के नाम से। सो बेसिकली यहाँ पे यूजर्स कंफ्यूज क्या हो जा रहे हैं कि यहाँ पे जो वेबसाइट है ना, ज्यादातर जो हम वेबसाइट यूज करते हैं ना, मोस्टली आप भी कमेंट करके बताना, लास्ट में हमेशा या तो .com होता है या .in होता है, किसी में भी .co आप नहीं देखेंगे या फिर आप .co बोल सकते हैं उसको, कुछ भी बोल सकते हैं, वो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो कॉइन स्विच की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, अगर आप उसको देखेंगे तो coinswitch.co है या आप इसको CO बोल सकते हैं। यूजर्स को लगता है कि ये तो स्कैम वेबसाइट है। एंड यहाँ पे अगर आप ये वेबसाइट देखते हैं तो यूजर्स को ऐसा लगता है कि ये ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल वेबसाइट है। सो यहीं पे यूजर मात खा जाते हैं। एंड जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जब भी वीडियो देखते हैं ना तो मैं हमेशा जब ऐसे बोलता हूँ ना तो माउस का हमेशा कर्सर वेबसाइट की तरफ आपको दिखाता हूँ ताकि आप वेबसाइट को देख ले। एंड एक यूजर को ये भी हमेशा सोचना चाहिए कि जब वीडियो कोई बना रहा है उस वेबसाइट का जो लुक दिख रहा है और आप जो वेबसाइट को यूज कर रहे हो उसका लुक क्या सेम है, एटलीस्ट थोड़ा तो वेरीफाई करना चाहिए। आई नो कि टाइम टू टाइम वेबसाइट में जो अपडेट है वो होते रहते हैं, लेकिन URL तो सेम रहता है ना, आपको URL तो एक बार वेरीफाई करना चाहिए। सो फिलहाल ये जो स्कैम चल रहा है ना, ये कॉइन स्विच की तरफ से नहीं किया जा रहा है ना कॉइन स्विच प्रो की तरफ से। ये जो फिलहाल आपको 2 वेबसाइट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है ना, इस ईमेल में भी आपको मिल रही होंगी जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इन 2 वेबसाइट के माध्यम से यूजर्स के साथ स्कैम हो रहा है। अगर आपने यहाँ पे पैसे डिपॉजिट किए हैं, क्रिप्टो डिपॉजिट किया है या आपने कुछ भी किया हो, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो पूरा पैसा है ना सिंपली वो 0 है। आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी में कंप्लेंट कर लो या पुलिस कंप्लेंट कर लो। क्योंकि मुझे बहुत सारे यूजर्स ने कमेंट किए थे, कुछ यूजर्स ने बोला कि हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी है, कुछ यूजर्स ने बोला कि हमने साइबर सिक्योरिटी में कंप्लेंट किया। मैंने कहा कि अगर कुछ हो जाए तो मुझे भी जरूर बताना, बट किसी का कोई भी फीडबैक नहीं मिला है। सो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप यहाँ पे कॉइन स्विच ही नहीं, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हैं ना उसका जो वेबसाइट है वो मेक श्योर करे कि वो ओरिजिनल वेबसाइट हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑथेंटिक वेबसाइट को विजिट करने का। आप जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं ना उनके मोबाइल एप्लीकेशन पे ही आपको उनकी जो वेबसाइट का लिंक है वो मिल जाता है ज्यादातर। सो आप वहां से विजिट करें, या फिर जब भी आप किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हैं तो मोस्टली आपको जो वेबसाइट है ना उसका URL दिखाते हैं हर वीडियो में। सो आप उसको मेक श्योर कर ले, या उनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है। सो अपने हार्ड एंड मनी को ऐसे ही ना गवाएं प्लीज, क्योंकि अभी रेगुलेशन नहीं आया। सो आप पुलिस केस कर लो या कुछ भी कर लो, क्योंकि काफी बार ज्यादातर केसों में जो पुलिस है वो कुछ भी नहीं करती क्योंकि रेगुलेशन नहीं है। जिस दिन रेगुलेशन आ जाएंगे उस दिन हम भी थोड़ा प्रेशराइज कर सकते हैं कि सर प्लीज हेल्प कीजिए, प्लीज हेल्प कीजिए, बट जब रेगुलेशन ही नहीं है तो आपकी कोई हेल्प करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा है। सो अगेन मैं ये सेकंड टाइम वीडियो बना रहा हूँ कि प्लीज आप अपने हार्ड एंड मनी को सुरक्षित रखिए, ऐसे ही स्कैमर्स को मत दे दीजिए। अगर आपके साथ भी स्कैम हुआ है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। एंड थोड़ा कॉइन स्विच वालों को भी बोलो कि भाई सुना करे, एटलीस्ट कोई अगर इंस्टाग्राम पे कुछ भेजता है तो ऐसे आंख बंद करके ना बैठे रहें।